ओके बेटा, देखो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में वैलेंसी पढ़ी थी और हमने पढ़ा वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब हमने ये पढ़ा कि अगर लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी वन होगी, टू हो तो वैलेंसी टू होगी, थ्री हो तो थ्री होगी क्योंकि ये लॉस हो सकता है, फोर हो तो लॉस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है, फोर तो फोर रहेगी वैलेंसी। अगर लास्ट शेल में फाइव हो जाए तो अब उसको आठ बनाना है, तो आठ बनाने के लिए वो पांच लॉस नहीं करेगा, तीन गेन करेगा, तो वैलेंसी थ्री हो गई। लास्ट शेल में सिक्स हो गया तो दो गेन कर सकता है, तो वैलेंसी वन, सेवन तो वन, एट तो जीरो, ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा, तो इस चीज का आप याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि हीलियम, देखो यहाँ पे ध्यान से, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, चेक करो क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेट हीलियम, टू। तो अगर सेट मैं, टू हाँ, अगर मैं इसकी पूछूं वैलेंसी बताओ तो बच्चे ना इसकी वैलेंसी टू लिख देते हैं, गलत है वो। क्यों गलत है? क्योंकि अगर लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो वैलेंसी जीरो होती है, तो इन केस ऑफ हीलियम लास्ट शेल के ही हुआ, बताओ इन केस ऑफ हीलियम व्हाट यस इज द सर लास्ट शेल, इन केस ऑफ के हीलियम व्हाट इज द लास्ट शेल, के, और के में मैक्सिमम सर इलेक्ट्रॉन के कितने होने चाहिए, दो ही होने टू चाहिए ना, टू दो होने चाहिए, तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो अगर लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वैलेंसी होगी जीरो। तो बच्चे यहाँ पे ना भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमेशा ये बोलते हैं कीप इन माइंड, कीप इन माइंड के जो हमारा हीलियम का केस होता है यहाँ पे हम वैलेंसी जीरो लेंगे इन केस ऑफ हीलियम, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट शेल के है और कंप्लीटली फिल्ड है। वैसे एट को कंप्लीटली फिल्ड मानते हैं बट के तो टू में ही कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई हीलियम की वैलेंसी जीरो क्यों होती है, क्योंकि उसका लास्ट शेल के है और के कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखो बाकी क्वेश्चंस, नाउ सी दिस प्रैक्टिस, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स, कॉन्फिगरेशन टू फोर, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फोर। तो बस ये टेबल याद रखो कि अगर लास्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन हो तो हमने वैलेंसी लेनी है फोर, बस ये टेबल याद होना चाहिए। अब आ जाओ इसके बाद, अब आ जाओ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है 282, तो लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन। अब हमने पीछे पढ़ा है कि अगर लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी दो होएगी, तो देखो दो हो गई। अब इसी तरह से आ जाओ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन, 283, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, थ्री, तो थ्री वैलेंसी कितनी हुई, थ्री। तो अब आपको याद है ना कि अगर लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर तक होंगे ना तो वैलेंसी सेम होती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर लास्ट शेल में हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन, जैसे सल्फर, तो सल्फर के लास्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी सिक्स नहीं होगी, इसकी होगी टू, क्योंकि आठ पूरा करना है, तो आठ पूरा करने के लिए या तो छह लॉस करो या दो गेन करो, तो वैलेंसी वो होती है जो ईजी है, दो गेन करना इजी है, सिक्स लॉस करना मुश्किल है, तो वैलेंसी हो गई टू। और ये टेबल देखो कि अगर फोर से ज्यादा होगा तो एट से माइनस कर लेंगे, फाइव माइनस एट थ्री, एट माइनस सिक्स टू, एंड सेवन माइनस एट वन, एट माइनस एट जीरो, तो ये हो गया। चलो बेटा इसको नोट कर लो जरा फटाफट, आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला, अब आ जाओ क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट शेल में सेवन, तो वैलेंसी वन हो गई। अब आ जाओ आर्गन, आर्गन के लास्ट शेल में एट है, तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, देखो जीरो जीरो। आ जीरो जाओ सोडियम, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कितना है, वन, तो वन है तो वैलेंसी वन वन। और वन लिथियम के लास्ट शेल में वन वन, तो वैलेंसी वन। वन अब हीलियम के लास्ट शेल में कितने हैं, हीलियम के लास्ट शेल में कितने हैं, टू, टू हैं। तो यहाँ पे बच्चे ना आंसर टू लिख देते हैं, अभी मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, अभी पीछे भी बताया था, तो लास्ट शेल इसका के है और के हमारा कंप्लीटली फील्ड है, तो ये हमारी बन जाएगी वैलेंसी जीरो। चलो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आसान है, हीलियम इज अ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अलग अलग तरह से है, नोट कर लो, डन। यस सर, चलो जी अब आ यस जाओ, अब हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स। अब कोई आपसे पूछे भाई डिफाइन आइसोटोप्स
और व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? देखो आंसर आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या लिखा हुआ है मैंने? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। देखो इन जनरल रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है एंड मास नंबर इज ऑलवेज रिटन ऑन द अपर साइड, लेफ्ट अपर साइड। तो आप देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट अलग के जो एटम्स हैं उनका मास अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप इन तीन चीज़ों को देखो ध्यान से, तो इन तीन चीज़ों में क्या चीज़ सेम दिख रही है आपको? देखो जरा नीचे वाली चीज सेम दिख रही है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर सेम दिख रहा है? एटॉमिक मास सेम दिख रहा है? नहीं। तो जब ऐसा कहीं पे तो जब ऐसा कहीं पे हो तो उसे कहते हैं आइसोटोप्स। और ये एग्जांपल याद करनी पड़ेगी, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप बताइए दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास। एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। अब ये देखो ये आइसोटोप है कि नहीं चेक करके बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37, 35। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये इसके एटम है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे ना एक ही परिवार के कई लोग हैं तो सबके विचार नहीं मिलते ना, कोई सॉफ्ट होता है, कोई लड़ाकू होता है, इस तरह से वो आइसोटोप हो गया, ऐसे समझ लो। तो एक ही फैमिली के अलग अलग पार्टिकल हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब फैमिली सेम है बट उनकी सोच अलग है, बस ऐसे समझ लो। सो क्या होता है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप्स। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके अब आप चाहते हो डेफिनेशन लिखना, तो ये डेफिनेशन लिख लो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जैसे 6, 6, बट हैव डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, इसे हम कह देते हैं आइसोटोप्स। तो पेपर में आता है व्हाट आर आइसोटोप्स। अब एक इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप, कि जो ये आइसोटोप हैं हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो आंसर क्या है इसका। नंबर वन, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैव यू हर्ड अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, सुना आपने इस तरह का नाम? तो ये वही एक रिएक्शन है, हाँ, जो कंट्रोल्ड वे में होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये आपको रटना पड़ेगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होता है? वो गला जिसका बड़ा हो जाता है ना, आपने देखा होगा कई कई लोगों का गला बड़ा हो जाता है, उसको हम गोइटर कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है नेम आइसोटोप used to treat goiter, तो आप बोलेंगे आयोडीन। नेम आइसोटोप used to treat cancer, कोबाल्ट। नेम आइसोटोप used of an element used in nuclear reactor to generate electricity, यूरेनियम। तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, नोट करके डन बोलो। नाउ सी आर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स, जो हमारा पिछला टॉपिक था आइसोटोप्स। अब जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा आइसोबार्स। अभी आइसोबार क्या होता है? एग्जांपल देखो, देखो ये वाली एग्जांपल, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है, तो ये फर्क है कुछ? जो हमने पिछला किया ना वहां पे नीचे वाला सेम था, ऊपर वाला अलग था, अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, देखो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। तो जब ऐसा हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर आइसोबार्स, तो आप क्या बोलेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट होते हैं ध्यान रखना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां पे था सेम एलिमेंट, हैविंग सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, जेड इज योर डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। ए Z means atomic number, A stands for atomic mass, note कर लो,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोबार्स, तो आप बताइए, एग्जांपल लिख के बताइए कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं विच हैज सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसे हम नाम दे देते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार और आइसोटोप में थोड़ा सा फर्क है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए एंड लर्न भी कर लीजिए। चलो जी, तो हमने ये भी कर लिया, आइसोटोप कर लिया, आइसोबार कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है। अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने करना है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे। सो सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, हीलियम एटम हैज एटॉमिक नंबर 4, मतलब हमें एटॉमिक नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, आप नोट करते जाइए करते जाइए। एंड 2 प्रोटॉन्स, यानी हमें प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 2। हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, तो अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीलियम है, उसका एटॉमिक मास 4 है, तो मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, एटॉमिक मास इज ए, एटॉमिक मास ए होता है 4 है। एंड 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 2 है, कहता है न्यूट्रॉन बताओ, तो आपको याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बोलो याद है, पढ़ा था हमने ऐसा फॉर्मूला, बोलो बेटा। यस सर। तो न्यूट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा। अब नंबर 4 प्रोटॉन 2 है, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, कितने आए, न्यूट्रॉन 2। ये है क्वेश्चन का आंसर, पहले हमने गिवन लिखा, फिर हमने फॉर्मूला लगाया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। लो जी, अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3 एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है हमारे पास कितना, कह रहा है कितना है जी 4, ठीक है, फाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम आर 3 and 4, यानी इलेक्ट्रॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटोन नहीं दिया हुआ, ठीक है जी, अब आप देखो प्रोटोन नहीं दिया हुआ, तो इसने बोला एन एटम, अब इसने बोला एन एटम यानी न्यूट्रल, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम ये बताएंगे इफ एटम इज न्यूट्रल, तो आपको याद है न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, इफ एटम इज न्यूट्रल देन प्रोटोन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, रिकॉल करो, इलेक्ट्रॉन, हाँ रिकॉल करो, हमने ये पढ़ा था, बोलो पढ़ा था ना, yes, sir. तो अब यहाँ पे उसने एटम बोला है ना, कुछ और नहीं बोला, इसका मतलब न्यूट्रल ले लो, तो फिर प्रोटोन कितना हो गया, अब आंसर बताओ, अब प्रोटोन पता चल गया कितना हो गया, प्रोटोन हो गया हमारा 3। अब उसने पूछा है कि एटॉमिक नंबर बताओ, तो एटॉमिक नंबर प्रोटोन ही तो होता है, प्रोटोन इज आर एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया जी प्रोटोन। उसके बाद उसने पूछा है मास नंबर बताओ, तो मास नंबर होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, अब प्रोटोन कितना है हमारे पास, कितना है प्रोटोन सर 3, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 4, व्हाट इज आवर आंसर 7, सर 7। हाँ, तो अगर आपको पिछला याद नहीं है ना तो ये समझ में नहीं आएगा, तो पिछले लेक्चर्स देखो जहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर मास नंबर करवाया है तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी का रहता है बेटा नोट करने से ना, तो वीडियो देख के कर लेना, वीडियो आज भेज दूंगा, लेट आएगी, तो अगर किसी का कुछ मिस हो जाए तो प्लीज सी वीडियो। ओके सर। अब ये वाला क्वेश्चन, यस नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द मास ऑफ एटम, बताओ कौन से पार्टिकल हैं जो
सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स यस यस बिल्कुल सही नेम द पार्टिकल्स व्हिच डिटरमाइन मास नंबर सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो आंसर ये है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या आंसर है यस बिल्कुल सही नेम द पार्टिकल्स व्हिच डिटरमाइन मास सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगला क्वेश्चन व्हाट इज ऑक्टेट रूल ऑक्टेट का मतलब होता है आठ ऑक्टेट का मतलब होता है आठ तो आठ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में क्या होता है आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं तो व्हाट इज एन ऑक्टेट रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एटम ट्राई टू एक्वायर एट इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल टू बिकम स्टेबल कॉल्ड ऑक्टेट रूल चलो नोट कर लो कि ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है ओके जी अब आ जाओ यहाँ पे व्हाई डज हीलियम हैज जीरो वैलेंसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है Why does helium has zero valency? तो देखो इसका आंसर कितना आसान है हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे कन्फिग्रेशन हीलियम एटॉमिक नंबर टू कन्फिग्रेशन टू एंड वैलेंसी कितनी जीरो अब क्वेश्चन ये जीरो क्यों है बिकॉज इट्स लास्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट्स नोट कर लो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन द आइसोटोप ऑफ एन एटम आर केमिकली सेम वाई अब ये क्वेश्चन है बिकॉज दे आर सेम एटम्स देखो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं कह रहा है आइसोटोप ऑफ एटम आर केमिकली सेम जैसे कार्बन है तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14 तो जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो ना तो वो केमिकली सेम होते हैं आइसोटोप ऑफ एन एटम इज केमिकली सेम व्हाई बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आंसर आएगा Because atoms of isotopes have क्या बोलेंगे have same atomic number yes तो ये बहुत ही important है same family से belong करते हैं इसलिए इनकी chemically reactivity same होती है And please see V2 later on. अब आ जाओ यहाँ पे अब देखो on the basis of Rutherford model of atom, which subatomic particle is present in the nucleus of atom? देखो जो Rutherford था ना उसके टाइम पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बारे में पता था और कुछ नहीं पता था तो उसको टाइम पे प्रोटोन्स के Rutherford के टाइम पे न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है प्रोटोन्स का तो ये आपका NCERT क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट Draw sketch of Bohr model of atom with three shell. Three shell मतलब nucleus बनाया, first shell, second shell, three shell, third shell आगे छोड़ दिया। अगर बेटा ये question होता कि fourth shell तक बनाओ तो कितने shell बना देते आप? N four. फिर आप fourth shell बना देते। अगर question होता five shell तक बनाओ फिर क्या करते? कि question होता कि five shell तक बना के दिखाओ तो क्या करते? तो आप five shell बना देते। चलो इसको नोट कर लो सर दो ऑक्टेट और डाल देते यस यस इट इज इजी ओके जी लो जी अब ये क्वेश्चन देखो नेम थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम तो ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिल्कुल सही अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4 यानी एटॉमिक मास 4 टू प्रोटॉन्स How many neutrons तो लो ये हो गया atomic mass is equal to proton plus neutron ये जो जो value दी हुई है put कर दी solve कर दी तो ये question हम पीछे भी कर चुके हैं repeat हो गया okay जी अब ये वाला question देखो बहुत अच्छा है question क्या कह रहा है write electron distribution मतलब electronic configuration electron distribution क्या होता है बच्चों क्या होता है electron distribution electronic configuration yes electronic configuration तो कह रहा है कि मैं इसको एक बार रिवर्स करके ना दोबारा लिख देता हूँ तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करो और दो क्वेश्चन है इस पेज पे तो क्वेश्चन वन का आंसर देखो क्या है क्वेश्चन वन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं सॉल्यूशन वन
तो कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम. तो कार्बन कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, सो कॉन्फिगरेशन हो गई K2L4. ये हो गया कार्बन. और किसका पूछा है? सोडियम. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, KL281 आ जाएगा. इसकी वैलेंसी 4, वैलेंसी पूछी नहीं है बट आप लिख सकते हैं. अब आ जाओ सेकंड केस, सॉल्यूशन 2. सॉल्यूशन 2 में क्या कह रहा है? इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल. तो देखो बेटा ध्यान से समझो, कह रहा है के शेल है और एल शेल है, फुल है. फुल का मतलब ये 2 है और ये 8 है. समझ में आ गया? 8 है. अब कह रहा है देन व्हाट वुड बी द टोटल इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 8 = 10. तो इसका टोटल हो जाएगा यस 10. अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10. तो एलिमेंट कौन सा हुआ? एलिमेंट कौन सा हुआ? 10 किसका होता है? नियोन. एलिमेंट कौन सा हुआ? नियोन. नियोन. सो ये भी आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ये वाला पेज आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है, मैंने वहीं से फोटो खींच के यहाँ डाल दी है. तो आप इस पेज को कर सकते हो और आप इसे भी लर्न कर लो. ये लर्न कर लो कि इम्पॉर्टेंट 1 to 20 एलिमेंट याद होना चाहिए. न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, कैटायन का मतलब क्या होता है, एनायन का मतलब क्या होता है. पेज दिखा दीजिए सर. हाँ, ये सारा हम पहले किया हुआ है. अच्छा बेटा, अगर किसी का कुछ रह गया ना तो वो आप बाद में कर लेना. अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसे समझ जाएं कि हम कर क्या रहे हैं. ये देखो, ये यहाँ से देख लो, ये नोट कर लो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं क्या बता रहा हूँ, लो चेक करो कि आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए. न्यूट्रल एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन और फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर आपको पता हो तो ये मैं पहले बता चुका हूँ. एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन्स एंड फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो ये सब मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है. अब आ जाओ अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन एंड देखो, ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा, मेरे बताने से पहले आता होगा. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन वैलेंसी. हमें पता है टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो सिलिकॉन ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन लिखी और वैलेंसी लिख दी. सो देखो ये ऑलरेडी आता है ना आपको. यस सर, दिस आंसर यू ऑलरेडी नो क्योंकि ये हमने पहले कर लिया है. तो इट इज अ काइंड ऑफ रिपीट ओनली. चलो तो ये भी आप बेटा वीडियो देख के कर लेना. अब आ जाओ यहाँ पे. अब ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल. एक्सप्लेन कि जो हमारा सोडियम एटम है इसका के शेल और एल शेल कंप्लीटली फिल्ड है, क्यों? सो चेक करो इसका आंसर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जरा देखो. यहाँ आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा था, पोजीशन चेंज कर रहा था. अब ये मैं आपको समझाता हूँ, समझिए जरा ध्यान से देखिए. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सोडियम एटम लिखा मैंने पहले. देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. ठीक है जी. देखो सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, न्यूट्रल. तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तभी पॉजिटिव आएगा ना. याद आ गया आपको, मैंने ये सिखाया था पीछे कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तभी पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए. तो ये कह रहा है कि सोडियम हैज कम्प्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल, क्योंकि सोडियम की कन्फिग्रेशन होती है 2, 8, 1. एक लॉस कर देगा तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? Na प्लस बन जाएगा. तो Na प्लस बन जाएगा तो Na प्लस की कन्फिग्रेशन क्या आएगी? देखो ये आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया. हाँ जी बोलो, हाँ या ना, समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन तो आपका लॉस हो गया. तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो अब ये एक निकल गया तो 8 है. अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया. सो बिकॉज सोडियम आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, हेंस के एंड एल शेल आर फुली फिल्ड. तो बस यही पूछा था कि सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल, एक्सप्लेन. तो हमने बताया कि जो सोडियम होता है ये न्यूट्रल होता है,
इसमें 281 मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, एक लॉस कर देगा तो 28 रह जाएगा, यानी ये खत्म हो गया तो 8, तो अब ये कंप्लीटली फिल्ड है, जो रह गया वो कंप्लीटली फिल्ड है। गॉट इट बेटा, जो रह गया वो कंप्लीटली फिल्ड है। गॉट इट? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नोट करके डन बोलिए सर। हाँ जी बेटा। सर जो आपने पीछे टेबल दिखाया था वो बनाना है? नहीं बेटा, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस टेबल, यू नीड नॉट टू ड्रॉ इन योर कॉपी, ये टेबल ड्रॉ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। ठीक है, ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। इसमें क्या बताया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो ये सारा मैं सिखा चुका हूँ। सो यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस टेबल, बस क्वेश्चन आंसर आप ये कर लीजिएगा। ओके चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड इज 3, है ना, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना, ये आप खुद ट्राई कर लेना, यहाँ वीडियो पॉज करके देख लेना। अभी आ जाए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आपसे आसान है, हो जाएंगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इस क्वेश्चन को देखिए ये क्या कहता है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो अपनी बुक खोल के कौन सा क्वेश्चन है, नंबर चेक कर लो, विच क्वेश्चन नंबर इज दिस। सो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने आपको दो एलिमेंट दिए, एक एलिमेंट एक्स दिया, एक एलिमेंट वाई दिया। एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, वाई का भी 6 है। अब आपको पता है अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर 6 है, एक का न्यूट्रॉन 6 है, एक का 8 है, तो मास निकाल लो, तो मास आ गया 12 इसका, और वाई का मास आ गया 14। तो क्या कह रहा है, गिव द मास नंबर, तो मास नंबर निकाल दिया। कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं। और आपको कैसे पता चला ये आइसोटोप हैं, बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम। चलिए बस यहाँ पे हमारा बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे। बस यहाँ पे चैप्टर खत्म, एंड योर होमवर्क इज टू प्रैक्टिस ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस।